नमस्कार, आप इस वक्त हैं खुशवंत फतनानी के साथ। हम लोग आज की फिजिक्स क्लास की शुरुआत करते हैं एंड लाइक ऑलवेज लेट अस डू इट विथ मेडिटेशन एंड प्रेयर। सो ऑल ऑफ यू काइंडली क्लोज योर आईज। आने वाले एक मिनट के लिए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और इस यूनिवर्स के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। विद अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, वन बाय वन, थ्री डीप ब्रेथ्स ऑन थ्री काउंट्स। काउंट वन, ब्रीद इन and breathe out. Breathe in once again and breathe out. One more time, take a deep breath in and breathe out. Once more, take a deep breath in and breathe out. For 1 minute of my life, I am free of all my desires. आने वाले एक मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। Whatever is there, I am happy in it for the next 1 minute of my life. Let there be a smile on the face. चेहरे पर एक मुस्कान। हमारा मन शांत है और कुछ देर के लिए सभी डिजायर से फ्री है। फॉर 1 मिनट कोई भी विचार आए मन में ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेट द स्माइल परसिस्ट, चेहरे पर मुस्कान को बने रहने दें। प्रे करते हैं हम सभी लोग, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध और संतुष्ट होकर अपना जीवन जी सके। ऐसी इस ब्रह्मांड के हर जीव के लिए मैं शुभकामना करता या करती हूं। लेट योर फेस बी लिट विद द सेम स्माइल। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। ऑल राइट, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ओके, सो
ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड। आज की क्लास में हम लोग काइनेमैटिक्स की शुरुआत करते हुए उसको लिंक करेंगे, है ना। वी विल बी लिंकिंग दिस चैप्टर विथ द मैथमेटिकल टूल्स दैट वी हैव बीन रीडिंग अंटिल नाउ, खासकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम लोग ना थोड़ी सी इनोवेटिव अप्रोच ले रहे हैं। आप लोगों के स्कूलों में या फिर दूसरे संस्थानों में जहां पे पढ़ाया जाता है ना, इस चैप्टर को अलग ढंग से शुरू किया जाता है। हम लोग थोड़ा इनोवेटिव तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे लिंक करते हुए हम इस चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेमैटिक्स या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमैटिक्स का पहला चैप्टर, सेकेंड पार्ट विल बी मोशन इन टू डायमेंशंस, राइट। तो ये मोशन इन वन डायमेंशनल है, वन डी मोशन की हम बात करेंगे आज, ठीक है। सो यू माइट गिव दिस हेडिंग अपनी कॉपीज में, मोशन इन वन डी। वन डी का मतलब है वन डायमेंशन, एक ही दिशा में चलना, ठीक है। सो इट वाई दिशा आई वुड मीन like in one direction, right? So in fact directions can be two. जैसे अगर ये एक line है, ठीक है, अगर इस line में कोई particle या तो right move कर सकता है या फिर left move कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के motion को जो एक line के along हो उसको अपन कहेंगे one dimensional motion, ठीक है। अच्छा, ये हो गई पहली बार। इसमें हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, कई बार हम लोग ऐसा देखेंगे कि ऐसा लिखा हुआ होगा टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? अपन जब भी कभी लिख देते हैं टी इज इक्वल टू जीरो तो आप बोलोगे सर जीरो टाइम कैसे हो सकता है ना। तो देखो जीरो टाइम एक तरीका है ये बताने का कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं और हमने जिस मोमेंट से उसके मोशन को एनालाइज करना शुरू किया दैट इज द इनिशियल टाइम। क्या लिख रहा हूं देखो, इनिशियल टाइम एट विच वी और द ऑब्जर्वर स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन राइट। तो अपन उस टाइम को कहते हैं t इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, है ना, तो आप लोगों के पास जो स्टॉपवॉच होती है ना, जब भी अपन कभी कोई एक फॉर एग्जाम्पल अपन लैब में है, ठीक है, फिजिक्स लैब में है, वहां अपन किसी पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, किसी पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक टाइम पर अपने स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद सारी रीडिंग्स लेते हैं कि इतनी देर में पेंडुलम ने कितने ऑसिलेशंस कर लिए, है कि नहीं। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कभी भी स्टॉप वॉच को ऑन या ऑफ करते हैं, आपने देखा होगा शुरुआत कहां से होती है, जीरो से होती है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से इज दिस, लेट्स से आई हैव अ क्लॉक, इसमें अपन स्टॉप वॉच ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, यहां देखेंगे सभी लोग, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट। सो राइट, तो अब इस वॉच में हमें क्या देखना है कि अभी जैसे यहां पर मुझे क्या टाइम दिख रहा है, जीरो 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 जीरो, ठीक है, मैं अब इस टाइम को प्ले करता हूं, राइट, क्या होने लगा देखो, मेरे पास सेकेंड्स एकदम सेंटर में दिख रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैं अब इसे पॉज करता हूं, ठीक है,
देखना अब यहाँ पर 15 सेकेंड्स 99 सेंटीसेकेंड्स या फिर कह लो 0.99 जो भी, राइट। तो हमें एक बात समझ में आ रही है, अब मैंने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने स्टॉप वॉच को शुरू किया वहां टाइम क्या दिख रहा था, उस समय वहां पे टाइम दिख रहा था जीरो, और अब कितना दिख रहा है 15.99, है कि नहीं। तो हमें इससे एक बात समझ में आ गई कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब है वो टाइम जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन किया और किसी मोशन को एनालाइज करना या ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन हुआ, राइट। अच्छा, अब इस चैप्टर में ना हमारे पास बेसिकली अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं जिसको अपन पढ़ेंगे, वो बात की बात है, लेकिन पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन को याद रखना है। जैसा रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हम क्वेश्चन में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्वेश्चन में हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी है जीरो। उसकी वेलोसिटी कैसी है, जीरो। Whenever an object is at rest, the velocity of that object is zero. ये अपन को बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद there are terms जो हमें समझने हैं, जैसे distance. Although हमने देखा है पहले, right? फिर भी हम देखते हैं distance. Distance traveled, right? तो इसका एक, इसको एक example से समझते हैं। अगर हमारे पास एक इंसान है, राइट, लेट्स से ओवर हियर, दस दिस पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम ओवर हियर, राइट, दिस पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम ओवर हियर टू हिज, let's say a shop, right, which is at this point, theek hai, right, so The point is, वो यहां से निकलना शुरू करता है, ठीक है। ये एक रास्ता है यहां पहुंचने का, एक और रास्ता है इसी सेम शॉप तक पहुंचने का। देखो वो किस तरह से, वो रास्ता कुछ ऐसा है, कम हियर, ठीक है, फिर उसके बाद वापस गो हियर, ऐसा कुछ। तो उसको अपन येलो से मार्क करते हैं, ठीक है। ठीक, तो दो तरीके हैं उस घर तक पहुंचने के या उस घर से उस दुकान तक पहुंचने के। अपन इसको नाम दे देते हैं, है ना। लेट्स से वी विल कॉल दिस ए, वी विल कॉल दिस बी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। वन इज पाथ नंबर वन, लेट्स कॉल दिस पाथ नंबर टू, ठीक है, ये वाला रास्ता, और एक है स्ट्रेट रास्ता। तो इन दो तरीकों से हम ए से लेकर बी तक पहुंच सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है पाथ लेंथ। क्या लिख रहा हूं मैं, पाथ लेंथ। अगर सपोज, है ना, अगर सपोज हमारे लिए जो फर्स्ट पाथ है, जैसे इसकी अपन जो डिस्टेंस है, सपोज इसे कह देते हैं 10 meters, कितना कह देते हैं 10 meters, और ये जो दूसरे दो पाथ्स हैं, है ना, सपोज इनकी वैल्यू है लेट्स से 5, राइट, एंड लेट्स से 12, ठीक है, 5 and 12। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसने फर्स्ट पाथ लिया, है ना, अगर इसने फर्स्ट पाथ लिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 10 meters, राइट, और इसने अगर सेकेंड पाथ लिया
तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 5 + 12 दैट इज 17 meters, राइट? क्लियर हो रही है बात? अच्छा, सबसे पहले जो भी अभी मैंने स्क्रीन पर लिखा है उसको आप चाहो तो नोट डाउन अगर कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो वी विल गिव यू टाइम। इसके बाद अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर एक साथ लिखना, ठीक है? बिकॉज इट इज एन कंटिन्यूटी जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या समझा, मैं दोहराता हूं, हमने कहा कि भाई ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड शब्द है इसका मतलब है कितनी पाथ लेंथ ली हमने, कितना पाथ को ट्रेवल किया, ठीक है, राइट? उसके बाद एक हम टर्म पढ़ रहे हैं जिसको अपन कहेंगे पोजिशन। क्या कहेंगे? पोजिशन। जनरली ये जो टर्म होता है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में या फिर एक्स वाई प्लेन में यूज होता है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी एक्स एक्सिस है, राइट? इस एक्स एक्सिस पर अगर कोई एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर ओरिजिन, तो इस ओरिजिन से लेकर, है ना, कोई इंसान कभी सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 पर पहुंचा, फिर थोड़ी देर के बाद एक्स इज इक्वल टू 2 तक पहुंचा, फिर थोड़ी देर के बाद एक्स इज इक्वल टू 3 तक पहुंचा, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, राइट? तो अब इस इंसान के लिए जो इस एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, अगर मैं पोजीशन की बात करूं, है ना, तो पोजीशन इज कि भाई वो ऑब्जेक्ट या वो इंसान जीरो के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना दूर खड़ा है। सो फॉर एग्जांपल अगर उसका पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है, वो जाता है राइट एक्स इज इक्वल टू 5 तक और फिर लौटता है वापस टू एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसा उसका कुछ ऐसा मोशन है। He goes, he starts from this point, right? Goes till x is equal to 5 and then comes to x is equal to 3, right? तो अब देखो मैं कैसे उसकी positions draw कर रहा हूँ, right? So first that person is over here, यहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है, वो यहाँ पहुंचता है, right? फिर उसके बाद ये ऐसा यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद वापस आता है और इस जगह खड़ा हो जाता है, कहाँ पर? x is equal to 3 पर। अब मैं आपसे पूछूं, है ना, सपोज अगर ये वाला टाइम जब वो x is equal to 0 पर था, that is, याद रखना ये वापस आने वाला मोशन है, अभी वो वापस आ रहा है, यहां से वो निकला था, right? और यहां से वो यू टर्न ले रहा है, इस पॉइंट पे यू टर्न ले रहा है, राइट? तो अपन ना कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहली मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक दिशा में जा रहा है, इन वन डायरेक्शन, है ना, और अगर उसकी दिशा पलट गई, मतलब वो पीछे चलने लग गया, इसका जरूर एक मतलब निकल के आता उसकी वेलोसिटी को लेकर। जब वो इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, जैसे वो x इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू करता है, आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और यहां x इज इक्वल टू 5 पर यू टर्न ले लेता है, मतलब उसकी वेलोसिटी, है ना, उसकी वेलोसिटी याद करो हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर्स में जो भी क्वांटिटीज, उसको अपन यहां दोबारा देख लेते हैं, जो भी क्वांटिटीज किसी एक दिशा में है अपन उसको क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी विल कंसिडर इन दिस केस द राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, राइट डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव होंगी, ठीक है, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक, ओके। नाउ द पॉइंट इज हमारे पास कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिसके बारे में अपन समझते हैं, जैसे, या उनको देखने से पहले ये वाला पॉइंट फिनिश करते हैं। तो पॉइंट क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे वो इंसान x इज इक्वल टू 0 पर है, राइट? उसके बाद थोड़ी देर के बाद सपोज t इज इक्वल टू 5 पर वो कहां पहुंच गया, t इज x इज इक्वल टू 5 पर पहुंच गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ही रीचेस द पॉइंट
x is equal to 3, यानी कि इस पॉइंट पर फाइनली वो पहुंचा. उसने देखो शुरुआत यहां से किया, थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचा था, और फिर फाइनली x is equal to 3 पर पहुंच गया, which is let's say at t is equal to 8 seconds, t is equal to 8 seconds पर. तो अब इस पूरे इस इंसान के मोशन को है ना, कैसे वो x is equal to 0 से उसने चलना शुरू किया है ना, और टाइम के साथ वो कैसे कैसे चलता गया, इसको देखो मैं यहां पर एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना ठीक है. सो हमारे पास एक टेबल है, सबसे पहले एट t इज इक्वल टू जीरो है ना, उस इंसान की पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो ठीक है. So this x is representing position right now. याद है ना position शब्द का मतलब है कि वो x axis से कितना दूर है, यानी y axis से कितना दूर है या origin से कितना दूर है, जो भी कह लो ठीक है. How far from the origin, इसको bracket में लिख लो, how far from the origin. तो अपन यहां क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो उसकी पोजीशन थी, t इज इक्वल टू जीरो पर. फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, वो इंसान यहां पहुंच गया, मतलब x इज इक्वल टू जीरो से आगे बढ़ता हुआ x इज इक्वल टू 5 पे पहुंच गया. कितनी देर में, 5 सेकंड्स में है कि नहीं. तो 5 सेकंड यानी कि t इज इक्वल टू 5 पर उस इंसान की पोजिशन हो गई है x इज इक्वल टू 5. फिर t इज इक्वल टू 8 पर उसकी पोजिशन हो चुकी है x इज इक्वल टू 3. गौर करना, पोजीशन की अगर बात हो तो x इज इक्वल टू 3, राइट करेक्ट. अब अगर मैं आपसे बात कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो अब आपको मुझे बताना है कि इन टाइम्स पर उस आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो लेट मी टेक वन ऑफ यू to answer this question. ठीक है, अब आपको बताना है उस इंसान के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना है. सपोज मैं उसको S से डिनोट कर रहा हूं, किस लेटर से, X letter, S लेटर से डिनोट कर रहा हूं है ना. अब आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलग अलग टाइम पर, t इज इक्वल टू जीरो पर है ना, t इज इक्वल टू 5 पर और t इज इक्वल टू 8 पर. इन टाइम्स तक है ना, इन समयों तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था फ्रॉम हिज स्टार्ट ऑफ द जर्नी है ना. तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक यहां पर आयुष को. हाँ आयुष ट्राई करो, तो मुझे बताओ कि इस इंसान ने कहां से शुरुआत किया था और थोड़ी थोड़ी देर में उसने किन किन पॉइंट्स को टच किया और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सबको अगर समझा सकते हो तो गो है. यस बोलो आयुष. सर एट x इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस ट्रैवल भी 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ना. हाँ शुरुआत में मतलब शुरुआत में जब उसने चलना शुरू किया तो क्योंकि वो यहीं पर था, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो इसी पॉइंट पर था तो नो डिस्टेंस ट्रैवल ठीक है. ओके t इक्वल टू 5 पे x 5 है तो डिस्टेंस ट्रैवल भी 5 हो जाएगा. ठीक है, मतलब वो यहां से ऐसा बढ़ गया और इस जगह आ गया, सपोज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 5 टिल t इज इक्वल टू 5. अब उस इंसान ने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वो है 5 मीटर्स का. ओके ठीक है, अब आगे बोलो. इक्वल्स टू 8 पे डिस्टेंस ट्रैवल भी 8 हो जाएगा. अच्छा कैसे 8 कैसे हो गया, पोजीशन तो 3 आ रही है. देखो अब यहां से वो ऐसा चल के इस जगह आ गया, सपोज दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 3. आयुष ही कह रहा है 7 कि x t is equal to 8 पर है ना, t is equal to 8 पर. हाँ
बताओ तो कितना है? एक बार फिर से बोलो, यहाँ पर यह है x इज इक्वल टू 4, ठीक है, यह x इज इक्वल टू, इनके बीच में एक ही x अपन मार्क करते हैं, ठीक है, दैट इज दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू 4 इनके बीच में कहीं है। हाँ आयुष बताओ कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले तो पांच पांच का इसने डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, जीरो से वन गया राइट, फिर टू गया, लेट्स से दिस इज वन दिस इज टू है ना, फिर थ्री पहुंचा, फोर भी पहुंचा, फाइव भी पहुंचा राइट, लेकिन फिर फोर और थ्री पर वापस आ गया। सो राइट नाउ दिस मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर राइट। हाँ बोलो तो आयुष। हाँ सर, सेवन होगा सर। सेवन कैसे हुआ, सेवन समझाओ सर। अपन जब डिस्टेंस ट्रैवल लिखते हैं तो वो होता है कितना पाथ वो ट्रैवल किया, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ठीक है, तो x इक्वल टू 5 तक तो उसका 5 ही रहा, ठीक है, मतलब उसने यहाँ लेकिन 5 किया। हाँ आगे दो और, तो उसने दो x दो यूनिट और ट्रैवल किया तो ऐड हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस में, ठीक है, मतलब सबसे पहले उसने 5 यूनिट ट्रैवल किया, फिर दो यूनिट्स और ट्रैवल किया तो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 5 और 2 यानी कि 5 एंड 2 ऐड अप टू 7, इसीलिए अपने पास ये कितना आ गया, 7 आ गया राइट। चलो कूल ओके राइट। राहुल तुमने एक मैसेज भेजा था, तुम्हें लाइक क्लियर हुआ कहां गलती हो रही थी? क्लियर हो रहा है क्या राहुल? मुझे मैसेज करके बता सकते हो, है ना? हाँ आई थिंक आयुष आपने भी फर्स्ट टाइम यही गलती कर दी थी कि अपन ने गलती से 5 और 3 ऐड कर दिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, हमें ध्यान से समझना है कि क्या हो रहा है, कि पहले वो इंसान ने ट्रैवल करना शुरू किया राइट राइट राइट, तो अपन ने जब उस इंसान ने ट्रैवल करना शुरू किया तो 0 से लेकर 5 तक गया और उसके बाद फिर 3 पर आ गया राइट, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि उसका जो टोटल पाथ लेंथ है 5 से लेकर यहाँ 0 से 5 फिर 5 से लेकर 3, तो पहले 5 यूनिट चले फिर 2 यूनिट और चले, तो टोटल 7 यूनिट उसने ट्रैवल किया, ठीक है। अच्छा ओके ओके राइट, नाउ एक बात समझो है ना, इसके बाद हम एक चीज समझनी है, अपन उसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, एक शब्द अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने देखा हुआ है वेक्टर्स समझते हुए है ना, फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट शब्द का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब है द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स है ना, अलोंग विथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए, ठीक है। अच्छा अब चैतन्य मुझे बताओ कि जब वो इंसान यहां पर इस पॉइंट पे पहुंच चुका है x इज इक्वल टू 3, उसने शुरुआत यहां से किया था, देखो x इज इक्वल टू 0 से फिर x इज इक्वल टू 3, तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? सर x इक्वल्स टू 1.5। देखो बहुत ज्यादा मत सोचो, सिंपल सवाल है, क्या डिस्टेंस कितना है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इनको मार्क कर दूं? देखो सर 3, सर 3 है दोनों, दिस इज पॉइंट 0 टू 3, This is point B. 0 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 यूनिट्स हो गया. 3 यूनिट्स. Yes sir. Right. तो अब इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट्स. तो अभी अगर उस इंसान ने, मैं आपसे पूछूं चैतन्य कि t is equal to 2 लेकर t is equal to 8 तक है ना, 8 पर वो यहाँ पहुंचा घूम फिर के ही सही, भले से यहाँ गया फिर वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो 0 से लेकर 8 सेकंड के बीच में उस इंसान ने नेट डिस्टेंस, या नेट डिस्टेंस के बजाय मैं एक शब्द यूज करूं डिस्प्लेसमेंट, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी इनिशियल पोजीशन से, यहां से इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 3 सर उसकी 3 अपन ने क्या पढ़ा अभी 3 यूनिट सर, क्या मतलब है जोर से पढ़ो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, हाँ बोलो बोलो चैतन्य बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सर, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे लिए कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं मैथमेटिक्स क्लास तो सब लोग इसको लिखेंगे, सपोज अगर मैं x के जरिए है ना, सपोज अब मैं x के जरिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है सपोज है ना, जरूरी नहीं है हर बार पोजिशन को ही x के जरिए करो, कई बार अपन क्वेश्चन में दिया रहता है कि x का क्या मतलब है, डू दे मीन पोजिशन और डू दे मीन डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अपन कहते हैं सपोज कि वो आदमी डिस्प्लेस हो रहा है राइट, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x को बहुत ही शानदार ढंग से समझने का या मैथमेटिकली लिखने का तरीका है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, या x फाइनल माइनस x इनिशियल। अच्छा इसी पर मुझे एक सवाल का जवाब देना आपको चैतन्य, ठीक है। यस सर। ठीक है देखो, तो अब एक इंसान के लिए उसकी पोजीशन है ना इज गिवन विथ टाइम, पोजीशन इज गिवन विथ टाइम या पोजीशन का वेरिएशन विथ टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन, पोजीशन वेरिएशन विथ टाइम इज गिवन एज एक्स इज इक्वल टू 5t² + t, है कि नहीं, प्लस 1 ऐसा दिया हुआ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा लिख लेता हूं, x इज गिवन एज इन द क्वेश्चन 5t² + t + 1, ठीक है। तो अब चैतन्य मुझे एक बात बताओ, क्या अपन t इज इक्वल टू 0 पर 1 पर और 2 पर उसकी पोजीशन बता सकते हैं क्या? यस सर बता सकते हैं। हाँ मेरे साथ कैलकुलेट करो, है ना, कैसे बता सकते हैं समझाओ सबको, बताओ तरीका सर। इसमें हमने हाँ, सर हम टी की जगह पे अपन लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे सर। ओके सर, जैसे 5t² है तो सबसे पहले केस में निकालते हैं, एक्स की क्या वैल्यू आनी चाहिए चैतन्य? 5 × 0² + 0 + 1 कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा बोलो सर? 1 सर, 1। वेरी गुड। अच्छा अब सेकंड केस के लिए एक्स कितना हो जाएगा, 5 × 1² + 1 + 1 कितना हो जाएगा सर? 7। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट फिर बताओ, x इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पर 5 × 2² + 2 + 1 क्या हो जाएगा? देखो 5 × 4 = 20 + 3 कितना आना चाहिए सर? 23। इसको अपन यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। t is equal to 0 पर उस इंसान की पोजीशन है x is equal to 1, फिर t is equal to 1 पर वो 7 पर पहुंच गया, और t is equal to 2 पर उसकी पोजीशन हो गई 23। अब मैं इसको x एक्सिस के अलोंग मोशन को देख रहा हूं, ठीक है। तो अपन ने x एक्सिस के अलोंग क्या लिखा, x is equal to 0, ठीक है। इसी तरह से फिर अपन ने सपोज मार्क किया यहां पर, let's say this is 5, this is 10, ठीक है, this is 15, this is 20, this is 25, ऐसा। तो इसमें अपन x is equal to 7 यहाँ कहीं होगा इस जगह, तो वो यहाँ पहुंचा है ना, यहां से उसने शुरुआत किया, सबसे पहले वो
कहाँ था t इज इक्वल टू जीरो पर चैतन्य, कहाँ पे था वो t इज इक्वल टू जीरो पर चैतन्य? सर वन, वन पे था, जीरो पे तो नहीं था x, नहीं सर वन पे, t इक्वल टू जीरो पे वन था, वन पे था। तो अपन सपोज ये पॉइंट x इज इक्वल टू वन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर था इनिशियली, कहा x इज इक्वल टू वन पे। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद सपोज अब मैं ना यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पॉइंट को अपन ले लेते हैं, पहले मैं सोच रहा था इस तरह से लेते हैं, बट नाउ क्या, जैसे अपन t इज इक्वल टू वन पर इसकी यहाँ पोजिशन मार्क करना चाहे तो ये कौन सी पोजिशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू सेवन है कि नहीं, एक्स इक्वल टू सेवन है ना? यस सर। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद yes, sir. और आगे पहुंच गया ओवर हियर, t इज इक्वल टू टू पर बोलो पोजिशन कितनी है उसकी, x इज इक्वल टू 23। तो उसकी पोजिशन हो गई 20, t इज इक्वल टू टू पर सर x इज इक्वल टू 23 है। अब मुझे आपको बताना है चैतन्य कि उस इंसान की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं है ना इन टाइम इंटरवल्स के लिए तो क्या क्या होगी, तो जैसे यहां पर लिखता हूं उसको देखना, ठीक है, आपको मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार दोहराओ तो सबके लिए चैतन्य, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और सर उसको निकालने का मेथड है x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या है x, क्या है पोजीशन, ये जो x फाइनल लिखा है अपन ने दिस इज बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो अब सबको बताना है तुमको कि अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, अलग अलग टाइम के इंटरवल्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही, ठीक है, तो अपन इसको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया है, ठीक है, ओके राइट। तो अब जैसे यहां पर मुझे बताओ t इज इक्वल टू जीरो से लेकर है ना, t इज इक्वल टू जीरो से लेकर t इज इक्वल टू जीरो टू सेवन तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उस इंसान की, सॉरी जीरो सेवन नहीं, वन और टू लिया है ना, तो अपन t इज इक्वल टू जीरो से, yes, sir. t इज इक्वल टू जीरो से लेकर वन के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो कहां से कहां पहुंचा है? yes, sir. सर सेवन यूनिट्स पहुंचा है वो, हाँ सेवन यूनिट्स पहुंचा है, कहां से शुरू किया था उसने? x वन सर, x t इज इक्वल टू जीरो से, x इक्वल टू वन से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर करो वो फॉर्मूला लगाओ जो आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x पोजीशन माइनस x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कहां के लिए लगाओ वो फंडा लगाओ, सेवन माइनस कितना करोगे सर? वन आएगा सर, सिक्स। तो वो कितना चला है? सिक्स, सिक्स यूनिट्स, सिक्स यूनिट्स उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताना t इज इक्वल टू जीरो से लेकर टू के बीच में वो कितना चला है, जीरो से लेकर टू के बीच में? फिर से करो फाइनल माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल सर, करो 23 माइनस कितना हो जाएगा? सेवन सर, 16 यूनिट्स। फिर से सोचो t इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या पूछ, ध्यान से देखो चैतन्य, t इज इक्वल टू जीरो पर वो कहाँ था? वन पे था, है कि नहीं? यस सर, यस सर। फिर t इज इक्वल टू टू पर वो कहाँ पहुंच गया? देखो इधर 23 पे। तो जीरो से लेकर 23, x इक्वल टू 23 पे, तो जीरो से लेकर टू सेकेंड्स के बीच में उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, हाँ या ना? मतलब 23 माइनस 1, यस सर, यस सर, कितना आ जाएगा बोलो सर? 22 यूनिट्स, 22 यूनिट्स। 16 कहां से बोल रहे थे तुम सर? मैंने असल में सर t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 2 के लिए किया था। हाँ तो सोचो, तो पहले पूछा क्या जा रहा है, जवाब तो तभी सही होगा ना जब वो सही समय पर दिया जाए,
अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 से लेकर 2 के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ. हाँ, अब कितना होगा बोलो. सर अब उसका पहला सर वो 1 से लेकर x इक्वल टू 7 से लेकर x इक्वल टू 23 पे गया, तो सर उसका फाइनल पोजीशन होगा 23, इनिशियल होगा 7, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 16 यूनिट्स, है ना. तो समझ में आ रहा है मतलब कि 23 माइनस 7 क्या yes, सर, इसीलिए 16 आया. यहाँ पर फर्स्ट केसेस में भी अपन ने क्या किया था, अपन दोबारा लिख लेते हैं. तो फॉर दीज केसेस यहाँ पर हमने किया था 7 माइनस 1, जैसे 6 आया था. यहाँ अपन ने किया था फॉर द सेकेंड केस 23 माइनस 1, जिससे 22 आया था. और लास्ट केस के लिए अपन ने किया 23 माइनस 7, और इससे आया अपने पास. मुझे मुझे सबसे पहले चैतन्य ये बात बताओ, ये बात क्लियर हो रही है अच्छे से? यस सर, क्लियर है. ठीक है, ठीक, ओके, ग्रेट ग्रेट. अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं, आप लोग मुझे एक एक करके बताते जाना, इफ यू हैव रिटन दिस डाउन, ठीक है सभी लोग, राइट. सो अगर ये फर्स्ट पेज सबने लिख लिया है तो रेज योर हैंड्स, आई विल वेट वन बाय वन, है ना. ये पेजेस लिख लो, है इतना अध्याय समाप्त करते हैं. आपको एक बेसिक जानकारी यहाँ से अपन ने दी है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक, लिख लो, पहले ही लिख लो सभी लोग. फर्स्ट पेज लिख लो, कंप्लीट कर लो. अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो जवाब है वो राहुल से लेते हैं. तो राहुल एक बात बताओ, अभी अपन ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा ना, तो मुझे बताओ राहुल, यहाँ पर फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट पेज में जो फिगर बना हुआ है, ए से लेकर बी के बीच में, ए से लेकर बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर वो इंसान सपोज ये सेकेंड पाथ से गया, यानी कि ये वाले सेकेंड पाथ से गया, तो उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ राहुल, ए से लेकर बी के बीच में, उसने सेकेंड पाथ ऑप्ट किया है, ध्यान से सोच के बोलो. सेकेंड पाथ से तो 17 ही हो जाएगा. 17 क्या होगा सर? 17 यूनिट्स हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल. मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 10 10 यूनिट्स हो जाएगा. क्यों 10 क्यों होगा, वो गया तो सेकंड पाथ से तो क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो अपन को ये समझना है क्लास, क्या समझना है कि चाहे हमारा पाथ कोई भी हो, चाहे हमारा पाथ कोई भी हो, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, देन दैट इज ऑलवेज गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ये अपन ने वेक्टर्स में भी किया था. मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखना यहाँ पर सभी लोग, है ना, सपोज अपन एक सेमी सर्कल का डायामीटर बनाते हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, राइट, और ये इसका डायामीटर है. लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू. एक इंसान है जो क्या करता है, वो इस पाथवे के जरिए आता है, मतलब ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग वॉक करके आता है ए से लेकर पी से लेकर क्यू. ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो पाथ इसने ट्रेवल किया है ना, इसकी लेंथ है 10 meters, इसकी लेंथ है 10 meters, ये पूरे पाथ की लेंथ है. तो आपको बताना है What is the displacement of the man? ये आपके लिए सवाल है. जैसे ही आप इस सवाल को हल कर लो, है ना, हल कर लो, तो आप लोग hands down कर सकते हो. पहले ये पेज पूरा लिख लो, है ना, उसके बाद इस सवाल को हल करो सभी लोग, राइट, ओके. आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन. पहले पेज पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, और जैसे ये सवाल हल हो जाए उसके बाद फिर हैंड डाउन कर लो. पहले पेज में जो लिखा है उसको लिख लो.
बहुत सिंपल है, देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक सर्कमफ्रेंस किसके लिए, फॉर अ सेमी सर्कल है ना. लेट्स टेक दिस आंसर फ्रॉम कुशल. कुशल एक बात बताओ, किसी भी सेमी सर्कल के लिए अपन सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर सपोज हमारे पास जो रेडियस है इस सेमी सर्कल का, लेट अस से उसकी वैल्यू आर है, है ना, उसकी वैल्यू आर है, तो अगर आर रेडियस के लिए मैं देखना चाह रहा हूं कि हमारे लिए इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, मतलब ये वाले पाथ की लेंथ कितनी है जिसको अभी मैंने माप किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर होगी, है ना, पाई आर. क्यों, क्योंकि 2 पाई आर किसके लिए होता है, एक फुल सर्कल के लिए होता है, तो पाई आर ये वाली उसका हाफ हो जाएगा, है कि नहीं कुशल, राइट? यस सर. तो पाई आर इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ, ये जो येलो से अपन ने मार्क किया, और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कुशल, कितना दिया हुआ है, 10 meters. इसका मतलब इस सर्कल के लिए रेडियस कितना आ जाएगा, 10 by pi आ जाएगा. मुझे बताओ मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कुशल, व्हाट हैव आई आस्क्ड, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपन ने अभी क्या समझा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो यहाँ पर P और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, येलो वाले पाथ से आ रहा है या व्हाइट पाथ से आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हाइट, राइट, व्हाइट पाथ से. और वो जो व्हाइट पाथ है ना, उसके लिए अपन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आर के टर्म्स में, 2 times of r, है ना, ठीक है. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 2 times of r की वैल्यू बताओ, 20 by pi, राइट. इजी था सवाल क्वेश्चन, यस सर. ओके क्लास, अगर आप लोगों को ये सवाल क्लियर हो गया है, प्लस आपने इस पेज में जो भी लिखा है, इफ यू हैव रिटन इट डाउन, रेज योर हैंड्स. ओके, अगर इस पेज में जो भी लिखा है वो आपने लिख लिया है, प्लस अगर ये सवाल आपके दिमाग में क्लियरली बैठ गया है, तो रेज योर हैंड्स. ओके, आई वेट, नो वरीज, गो अहेड. जैसे ये पेज लिखने का काम हो जाए और ये सवाल क्लियर हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है. महिविश, आर यू डन बच्चा? जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है. ओके राइट, अब ये जो सेकंड पेज है ना, इसको आप लोग लिखना, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूं. देखो वीरज, ओके, आई थिंक आप लोग में से कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे. ओके राइट, चैतन्य, अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको उस डायरी में लिख लो, वो छोटा सा नोट पैड है जो अपन को यूज करना है, उसमें एक ब्रीफ तरीके से लिख लो, ठीक है, फिर अपन लेते हैं डाउट्स, लेते हैं, डोंट वरी. जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम ब्रीफ में, 2-3 शब्दों में लिख लो चैतन्य, फिर क्वेरी को लेते हैं. ठीक है, वीरज को अपन लेते हैं एक इस छोटी सी डेफिनेशन के बाद. अपन ने ना दो अभी टर्म्स पढ़े, क्या क्या टर्म्स पढ़े,
अपन ने एक टर्म पढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, और दूसरा टर्म पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर अपन ने सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिवाइड कर दिया टाइम टेकन से, है ना, तो अपन के पास जो वैल्यू निकल के आती है, अपन ने बचपन से सीखा उसको क्या बोलते हैं, स्पीड, है ना। उसी तरह से जब भी कभी अपन डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, उसको अपन कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहाँ पर एक और टर्म लिखा है, देखो सभी लोग, अपन ने यहाँ पर एक टर्म लिखा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, देखो डायरेक्शन, क्या लिखा है, डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो होता ही है डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेकिन अपन लोग उसको हमेशा डायरेक्शन के टर्म्स में मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? वेक्टर्स से लिंक करते हैं, है ना। अभी यहां पर उसके हम कम, उसका कम यूसेज करेंगे वेक्टर्स का, लेकिन इन जनरल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से जो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है, याद करो हमने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी है, कौन कौन सी, एक पढ़ी है स्केलर, है ना, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, और एक पढ़ी है वेक्टर्स, है ना, जिनके पास डायरेक्शन होता है। सो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। मैं अगर पूछ लूं तो डायमेंशन कितना होगा वेलोसिटी के लिए, अब लेते हैं वीरज को, ओके वीरज, मुझे डायमेंशन बताना है आपको स्पीड और वेलोसिटी का, क्या क्या होगा। यस वीरज, गो अहेड। सर स्पीड का तो लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, मतलब एल टी माइनस वन, है ना, यस सर, और यहाँ पर एम जीरो, राइट, हाँ राइट। देखो यहाँ पर लिंक कर रहे हैं जो अपन ने पढ़ा है उससे टू व्हाट वी आर रीडिंग नाउ, ठीक है, हाँ आगे बोलो वीरज। सर जब डायमेंशन लेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ ही होगा, हाँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन लेंथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डायमेंशन कितना आ जाएगा, बोलो m0 l, आगे बोलो t minus one, हाँ t minus one, क्लियर हो रहा है, ये बात क्लियर है क्या वीरज अपन को? यस सर, ठीक है। अच्छा अब अपन ना एक और चीज देखते हैं वीरज, आप ही से लूंगा अगला सवाल, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कुछ, सभी लोग लिखेंगे इसको, अपन एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उसको अपन कहेंगे एक्सेलरेशन, है ना, इसको डिनोट करते हैं विद द लेटर ए, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मुझे बताओ वीरज, अब ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो वैल्यू आ रही है ये कैसी होनी चाहिए, शुड इट बी अ वेक्टर, शुड इट बी अ स्केलर, क्या होना चाहिए या फिर कुछ और? सर स्केलर, क्यों, वेलोसिटी सर वेक्टर हो, हाँ वेलोसिटी तो वेक्टर है, वेलोसिटी यस सर तो वेक्टर है, तो एनी वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम कैसा होता है, स्केलर होता है कि नहीं। तो अब जैसे देखना ध्यान से, जैसे मैं एक वेक्टर क्वांटिटी लेता हूँ सपोज ए, है ना, तो अगर मैं इस ए की वैल्यू लिखता हूँ लेट्स से फाइव वाई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, अब मैं या अपन चलो इसको और भी अच्छे टर्म्स में देखते हैं, सपोज किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी को अपन लेते हैं, ठीक है, सपोज उसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू फाइव वाई कैप, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सपोज टाइम है 10 सेकेंड्स, ठीक है, और मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसी हो जाएगी एक्सेलरेशन, बोलो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हाँ या ना, राइट, तो बताओ क्या होगा, फाइव आई होल बाय 10, है कि नहीं, तो आंसर कितना आना पॉइंट फाइव आई कैप, राइट, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब अपन ने ये तो समझ लिया कि ये वाली जो वैल्यू आई ए इट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव आई कैप, अब क्योंकि यहाँ आई कैप आ रहा है इसका मतलब जरूर ए के पास भी डायरेक्शन है, यस सर, है ना, ए हैज डायरेक्शन, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन था, है ना, तो इसीलिए अपन ने उसको क्या कहा था, अपन ने उसको क्या कहा था, वेक्टर कहा था, राइट,
और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन ने स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया तो जो अपन के पास निकल के आया वो भी क्या है, वेक्टर है। ये बात क्लियर हो रही है क्या वीरज अपन को? यस सर। है ना, एक वेक्टर है तो यहाँ पर लिख लें ए इज अ वेक्टर, लिख सकते हैं ए इज अ वेक्टर, सकते हैं ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले स्पीड के लिए एसआई यूनिट कितना होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के लिए कितना होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, व्हाट अबाउट द डायमेंशन? सो m0 lt minus 2। m0 lt minus 2। बढ़िया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या अपन को जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा? वीरज, yes, sir. इस पेज में जो भी पढ़ा क्लियर है पक्का? यस सर। चलो ठीक। अब क्लास यहां पर हम अब कुछ देखने जा रहे हैं, ठीक है? ग्रेट, ऑल राइट वीरज, थैंक यू। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट वन इज कार्तिकेय को लेते हैं, ठीक है? और इससे पहले कि कार्तिकेय को लें अपन एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? बाकी सारे पेजेस भी आप लोग लिख लेना, ठीक है? आई विल गिव यू टाइम दो बारी, राइट? उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? मुझे एक अगली बात बताओ एवरीवन, अपन ने अभी क्या क्या टर्म्स समझे? एक अपन ने समझा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, या अपन सिर्फ सिंपल टर्म्स में बात करते हैं? जो अपन ने नए टर्म्स सीखे कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन ने टाइम से डिवाइड किया है ना, और इसको अपन सपोज x से डिनोट कर रहे हैं, है ना, अपन ने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो अपने पास आ गई वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि v। उसी तरह से अपन ने एक और टर्म सीखा एक्सेलरेशन, जिसको अपन ने कहा दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, इसको अपन ने a से डिनोट किया, ठीक है? तो अब क्लास मैं आप लोगों को इसका एक और तरीका बता रहा हूं समझने का, राइट? अब अगर किसी आदमी ने यहां तो सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल किया था इन टाइम t, तो अपन ने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया था, राइट? लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि एक आदमी ने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल टाइम dt, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि v is equal to, यानी कि velocity is equal to dx by dt। ये बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि अपन velocity को एक और तरीके से define करते हैं। जो अपन ने लिखा है उसी को अगर आप words में लिखोगे, so velocity is rate of change of displacement with time। और इसी को तो अपन यहां पर differentiation कहते हैं, याद आ रहा है? dy by dx का क्या मतलब था? एकदम शुरुआत में अपनी मेमोरी को ले जाओ, एकदम शुरुआत में अपन ने क्या पढ़ा था? dy by dx का मतलब होता है rate of change of y with respect to x, है ना? तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं rate of change of displacement with time, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं जरूर लिख सकता हूं dx upon dt। ये क्लियर हो रहा है सबको, है ना? उसी तरह से एक और बात देखो, एक्सेलरेशन के लिए अपन ने एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन कैन बी कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with time is called as acceleration। और उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? Of course, dv by dt। तो मैं a के लिए क्या लिखूंगा यहां पर देखना, dv upon dt, ठीक है? ओके, अब यहां पर देखना है ना अपन क्या लिखते हैं, लेकिन उसके पहले काम करो, जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है पहले उसको अपने पास लिख लो। मैं चाहता हूं पहले आप इसको अपने पास लिख लो,
in a fresh page, write all of it, whatever is there on the screen. ठीक है? और जैसे हो जाए ये पेज आपका अपने पास लिखना तो हैंड रेस करना. ठीक है? अरे फटाफट लिखो, समझ के लेकिन फटाफट लिखो. ओके. हो गया भाई? जैसे हो जाए तो हैंड रेस करो. महेश, चैतन्य, आर यू डन? तो चलो जैसे हो जाए तो हैंड रेस करो. ठीक है? ओके, राइट. तो अब देखो अपन ने जो लिखा है इसमें अपन एक एडिशन करने जा रहे हैं, है ना? अपन क्या करते हैं यहां पर dx और dx मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. ठीक है? ध्यान से देखना मैं क्या करूं. अब हम लोग ये जो dx अपॉन dt है ना इसको एक साथ लिखते हैं, देखना क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा dx upon dt है कि नहीं into dv upon dx, right? तो अब हमने dx by dt का क्या मतलब पढ़ा है? dx by dt क्या होता है? d होता है. इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, dx by dt की जगह क्या लिख सकता हूं? v लिख सकता हूं, right? और साथ में क्या है? dv by dx है कि नहीं? ये क्या हो गया? a हो गया, right? इसका मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? v dv by dx. ये जो अपन ने यहां पर तीन फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, कौन कौन से? पहला दिस वन, वेलोसिटी का वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dx by dt, है ना? दूसरा acceleration is dv by dt, और तीसरा acceleration is also v dv by dx. ये अपने पास एक बार लिख लो, right? Okay. ये जो छोटा सा अपन ने derivation बताया ना इसको लिख लो अपने पास. ठीक है? बढ़े, आगे बढ़े. एक बार हैंड डाउन कर लो अगर आपने लिख लिया है तो. यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन अगर आपने लिख लिया है तो. ये जो मैंने अभी डेरिवेशन बताया कि अपन ने कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाला, अगर ये लिख लिया है तो हैंड डाउन करो.
a इज इक्वल टू v dv बाय dx, है ना, ये अपन को एक बात याद रखनी है. फिर a इज ऑल्सो गिवन बाय dv बाय dt और v इज इक्वल टू dx बाय dt, ये अपन को समझना है. ठीक है, कूल. अच्छा अब देखो, ठीक है, एक काम करो, आप लोग ना स्क्रीनशॉट्स ले लो इन फर्स्ट पेज से. फर्स्ट पेज में ऑन रखता हूं, है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक, सेकेंड पेज से स्क्रीनशॉट ले लो. डन एवरीवन? ओके, थर्ड पेज का एक स्क्रीनशॉट अपने पास लिख लो या ले लो, जो भी. राइट, ओके, फोर्थ पेज से भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. और ये पेज तो लिख ही चुके हो. ठीक है, ओके. अब ना अपन एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, राइट, इसमें अपन कार्तिकेय की हेल्प लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे. ठीक है, एज अ प्रैक्टिस. ओके, तो कार्तिकेय एक बात बताओ, अगर सपोज मैं ऐसा लिखूं, है ना, पहला सवाल आप लोगों के लिए, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज गिवन टू अस एज टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, है ना. अब अपन को बताना है व्हाट इज द velocity of this object at t is equal to 0, t is equal to 1 and t is equal to 2. निकाल सकते हैं क्या अपन, कार्तिकेय? Yes sir. कैसे निकालेंगे बताओ सबको. हाँ सर, सबसे पहले जो हम लोग को x की वैल्यू दी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि velocity की क्या वैल्यू होती है ये बताओ सबको. वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt. हाँ, वेलोसिटी इज द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. तो अपन dx by dt करते हैं, क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ t square plus t plus 1. क्या वैल्यू आएगी? 2t plus 1. हाँ या ना? राइट, यस सर. है ना, क्या क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू जब बोलो. यहाँ पर ना एक अपन एक काम करते हैं, यहाँ एक टेबल बनाते. So let us make a table here, right? And in this table, let us mark the displacement, velocity, and acceleration values at different points of time. Simple example लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे किसी भी motion को analyze किया जाता है, ना? ठीक है. t is equal to 0 पर उस पार्टिकल के लिए अपन पोजीशन भी निकाल सकते हैं क्या? वैसे चलो पहले वेलोसिटी बता दो. हाँ, वेलोसिटी अपन ने क्योंकि लिखी लिया है, क्या क्या वैल्यूज होंगी बोलो. वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई t के टर्म्स में? 2t plus 1. हाँ या ना? राइट, यस सर. अच्छा मुझे एक बात इसको बताओ, एक चीज एनालाइज करते हैं ना, ध्यान से एनालाइज करते हैं. अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं जो टाइम की वैल्यू है क्या वो घट सकती है क्या? Can time decrease or time always increases? Kartikeya. So time always increases. है ना, समय तो हमेशा आगे ही बढ़ता है. स्टॉपवॉच ठीक से चलती है क्या कभी? No sir. फिल्मों मतलब of course films में हो सकता है time travel, लेकिन अपने यहाँ physics की reality में अपन हमेशा ऐसा ही केस दिखेंगे जिसमें t बढ़ेगा, right? तो मुझे एक बात बताओ चैतन्य, इस क्वेश्चन को देखकर क्या मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि अगर t की वैल्यू बढ़ती चले जाए तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी? हाँ या ना? Yes, sir. है ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? बिकॉज टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दिस क्वेश्चन, राइट? ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. Okay. अच्छा, वेलोसिटी yes, अगर हमेशा बढ़ रही है ना, अगर हमेशा वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. हाँ या ना? क्योंकि एक्सेलरेशन को अपन yes, कैसे डिफाइन किया है? dv by dt, है कि नहीं?
इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हाँ या ना, राइट? तो अगर कोई चीज हमेशा बढ़ती जाए तो डिफरेंस कैसा आएगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा? Suppose if something is greater than zero. If something is 5, it becomes 10, then 15, then 20, and you suppose subtract any two consecutive values. Let's say you subtract 20 minus 15, or you subtract 15 minus 10, or you subtract 10 minus 5. ये values हमेशा कैसी होगी कार्तिकेय? ये values हमेशा कैसी? Always positive. Always positive. इसीलिए अगर velocity बढ़ रही है, इसीलिए अगर हमारे केस में अगर velocity हमेशा बढ़ रही है तो मेरे मन में क्या एक बात आएगी कि द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ या ना? चलो इसको प्रूव करके देखें, अपन इसको प्रूव करके देखें. ऑलवेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये बात को अपन प्रूव कर सकते हैं. देखते हैं, मुझे बताओ एक्सेलरेशन के लिए अपन ने वेलोसिटी के टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन पढ़ा है? यहाँ देख के बताओ सर. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx. और t के टर्म्स में, t के टर्म्स dv by dt, dv by dt. तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन? a इज इक्वल टू dv by dt. वेलोसिटी कितनी आ रही है बताना, बोलो. 2t dx 2t plus 1. t plus 1, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं? यस सर. है ना? तो इसका मतलब अपनी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, कितनी आ गई कार्तिकेय? 2 मीटर पर 2 यूनिट्स, है ना? हाँ, 2 यूनिट्स, बहुत बढ़िया. अच्छा मुझे एक और बात एनालाइज करके बताना, ठीक है? सबसे पहली चीज मुझे बताओ, पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं? मूव करने का क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है कि नहीं? मूव कर रहा है. हाँ मूव कर रहा है, पहली बात तो समझना आ रही है, राइट? उस वो पार्टिकल हमेशा क्योंकि मूव कर रहा है, ये बात अपन को समझ में आ गई, राइट? फिर अपन ने क्या समझा, उस पार्टिकल के लिए कुछ वेलोसिटी है कि नहीं, वो भी समझ में आ रहा है. अपन ने देखा कि क्या उस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन है, ये भी समझ में आ रहा है. एक और बात तुम सब लोग गौर करना, ये जो x है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, x इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक? उसी तरह से यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी इज सम फंक्शन ऑफ टाइम अगेन, मतलब वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू है ना टाइम के साथ कैसी कर रही है, चेंज होती जा रही है. दिख रही है क्या अपन को ये बात, है ना? राइट right? Yes, sir. Okay. अब मुझे यहां से और बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है? हाँ या ना? हो रहा है ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कैसे एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, समझाओ सबको. क्योंकि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना dv by dt. हाँ लेकिन यार कितनी आ रही है एक्सेलरेशन देखो. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम पे डिपेंड कर रही है क्या? यस सर. ओके ओके, लेट्स टेक सम अदर व्यू आल्सो इफ दैट्स द केस. लेट्स आस्क महेश. महेश जरा एक्सेलरेशन को देख के बताओ और मुझे और कार्तिकेय को समझाओ. हम लोगों को लगता है एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रही है, आपको भी ऐसे लगता है क्या महेश? यस सर, बता रही है. अच्छा अच्छा, कितनी एक्सेलरेशन सर? 2 है. 2 है, तो 2 को अपन कांस्टेंट बोलेंगे या चेंज बोलेंगे? सर कांस्टेंट बोलेंगे. हां लेकिन आप तो बोल रहे हो बदल रही है. चलो कोई बात नहीं, एक और व्यक्ति से पूछते हैं. लेट अस आस्क वन मोर पर्सन. तेजस, मुझे सोच के बताना तेजस कि एक्सेलरेशन हमारे क्वेश्चन में बदल रही है या कांस्टेंट है? नो सर, कांस्टेंट है.
बदलना किसको बोलेंगे? देखो जब वो टी पे डिपेंड करेगा। हाँ तो अपन ने क्या क्या समझा, अपन ने देखा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, फिर उसी से अपन ने वेलोसिटी निकाला कितनी आई टू टी प्लस वन, है ना, उसी से अपन के पास एक्सेलरेशन कितनी आई टू आई, तो इसको अपन बोलेंगे एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, क्यों, क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, देखो ना एक्स की वैल्यू सीधा टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसलिए अपन कहेंगे एक्स इज चेंजिंग विद टाइम। उसी तरह से देखो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो अपन क्या कहेंगे v इज चेंजिंग विद टाइम, लिखेंगे सभी लोग v इज चेंजिंग विद टाइम, राइट। अब मुझे कार्तिकेय दोबारा बताओ कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज कर रही है? कांस्टेंट। क्या गलती कर रहे थे अपन कार्तिकेय, क्या गलती कर रहे थे अपन और कहां सुधार आया? सर हम लोग उसको चेंज हो रहे वो ले रहे थे, पर जब क्यों कांस्टेंट ही होगा तो क्यों कांस्टेंट क्यों है, कि यहां पर क्या नहीं है t का टर्म नहीं है, t पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। कोई भी क्वांटिटी अगर फिजिक्स में कांस्टेंट होती है ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है यूनिफॉर्म। क्या वर्ड यूज होता है कार्तिकेय? यूनिफॉर्म। हाँ तो कभी भी अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है ना इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो अपन उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अपन ना इस चैप्टर को फॉर्मली और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, काफी सारे टर्म्स देखेंगे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वो तो आप अभी भी समझ जाओगे लेकिन फिर भी एक तरीके से देखेंगे, राइट। इस क्लास को मैं आप लोगों के लिए जनरल डिस्कशन बनाना चाहता था कि आप चीजों को एब्जॉर्ब करो और जो अपन ने पढ़ा है उससे इस चैप्टर को कनेक्ट कर सको। अच्छा अपन इसी सवाल में आगे बढ़ते हैं। सो कार्तिकेय मुझे बताओ t इज इक्वल टू जीरो पे उस पार्टिकल के लिए क्या वेलोसिटी होगी? हाँ बोलो, यहाँ पर जीरो डालो, यहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी आ गई वन, ओके ओके। अच्छा t इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करो, बताओ वेलोसिटी क्या आ जाती है इस जगह t इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करो? थ्री। अब थ्री। हाँ अब t इज इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट करो, बताओ। हाँ कार्तिक है बोलो, t इज इक्वल टू टू पर कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? फाइव हो जाएगी। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो कार्तिक। मेरी आवाज सबको आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? अगर हाँ तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। ओके क्लास, तो आज के लिए अपन ने जो भी पढ़ा उसके लिए यहाँ पर डीपीक्यूज लिख लो, है ना, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल अपन के लिए क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। एक इंसान एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू टेन और एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी पर ट्रैवल करता है, राइट, स्ट्रेट जाता है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है कि अगर वो इस तरह से ऐसे घूमकर, ठीक है, वापस आया, कुछ इस तरह से ऐसा, तो अपन को ये बताना है, सपोज एट दिस पॉइंट यहां पर जो टाइम हो रहा था, लेट्स से व्हेन एक काम करते हैं, डोंट वरी, अपन ऐसा करते हैं, है ना, मैं आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ये आप लोगों को सेंड कर दूंगा, राइट, आई विल सेंड दीस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन द ग्रुप, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और मुझे आप लोगों को ग्रुप पे बताना है,
जैसे ही सवाल आपकी तरफ से ट्रायल हो जाए राइट यू ऑल हैव टू टेल मी और फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है तो अब एक काम करते हैं क्वेरीज ले लेते हैं कोई क्वेरी है एनीवन कोई क्वेरी है तो हैंड रेज करो बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं आज की क्लास में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया ऑल्दो हमने बेसिक्स किए हैं फिर भी कुछ ऐसा हो जो नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझसे